हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका स्वागत है। और हम अपने सीधी बात नो बकवास कार्यक्रम में, क्योंकि मैं चाह रहा था कि समापन एक सही तरीके से हो, तो अभी हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू तो रख रहे हैं, लेकिन अभी भी हम इसे एक सुपरविजन में ही रखेंगे कि आप लोग इसे कितना पसंद करते हैं। अभी तक हमने जितनी भी बातें इसमें कवर की हैं, आज हम उसमें कवर करने जा रहे हैं बंगाल जुडिशरी एक्ट जिसे कहते हैं। साथ ही साथ अभी तक जितने भी सीधी बात नो बकवास के कार्यक्रम हुए थे इतिहास से जुड़े हुए, उन पर हम ऑब्जेक्टिव सवालों पर भी चर्चा करेंगे, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के सवाल उस पर बन सकते थे। और मेंस के भी सवाल मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए था कि ये जो अभी तक हमने कोर्स लिया था, इसमें कौन से सवाल बन सकते थे और उनके किस प्रकार के सवालों का दायरा इन सिलेबस से कवर हो सकता था। तो आइए शुरुआत करते हैं सीधी बात नो बकवास का हमारा अगला का एपिसोड, टॉपिक 7, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में बंगाल जुडिशरी एक्ट 1781। इसके पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट था, साथ ही साथ गवर्नर जनरल थे बंगाल के। तो परिणाम स्वरूप एक कॉन्फ्लिक्ट क्लियरिटी आ रही थी, क्योंकि दोनों की पावर बिल्कुल डिफाइन नहीं की गई थी कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद होगी और जो सुप्रीम कोर्ट होगा, तो कई बार उन दोनों के मध्य में विवाद या कई प्रकार की समस्याएं देखी गई थी। इसी को सुधारने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, जिसे 1781 का बंगाल जुडिशरी एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट में जो मेनली काम किया गया, एक तो जो हिंदू और मुस्लिमों के जो भी विवाद होंगे, मतलब अभी तक जितने भी 1773 के समय मुकदमे आते थे, उसमें डिफाइन नहीं था कि वो सारे मुकदमे लेगा या नहीं लेगा, लेकिन पहली बार यह बता दिया गया कि अब वो सारे मुकदमे लेगा, हिंदुओं के मुकदमों को हिंदू कानून के तहत और मुस्लिमों के मुकदमों को मुस्लिम कानून के तहत हल किया जाएगा। तो अगर हम बात करें तो बंगाल जुडिशरी एक्ट, एक तो जो गवर्नर जनरल है उनकी कार्यकारी परिषद को सुप्रीम कोर्ट के अंडर में रखने की जगह उसे अलग कर देता है, क्योंकि कई बार विवाद और कई बार समस्याएं क्रिएट हो रही थी। तो कंपनी को यह लगा कि, या मैं कहूंगा कि ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि इसके कारण अगर विवाद को खत्म करना है तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद अलग होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जो भी कलकत्ता में बनाया गया था वो अलग होना चाहिए। तो बंगाल जुडिशरी एक्ट 1781, बंगाल जुडिशरी एक्ट 1781 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोषों को दूर करने के लिए बंगाल जुडिशरी एक्ट, बंगाल जुडिशरी एक्ट 1781 लाया गया, और उसके बाद फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। इसे हम नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे, आज हम केवल एक छोटा सा, क्योंकि आज सवालों को भी लेना है। तो बंगाल जुडिशरी एक्ट 1781 पारित किया गया। इस एक्ट को बंदोबस्त कानून के नाम से भी जानते हैं, नोट करिएगा ये पॉइंट, ऑब्जेक्टिव सवाल का मटेरियल बन सकता है। इसे बंदोबस्त कानून के रूप में भी जाना जाता है, बंदोबस्त कानून के रूप में भी जाना जाता है। कहानी आपको शायद मैं रिपीट कर दूं कि जब कंपनी ने सरकार से, ब्रिटिश सरकार से उधार पैसे मांगे, तो ब्रिटिश सरकार ने इसी बहाने कंपनी अपने हाथ में और कंपनी को रेगुलेट करने पर जो शक्ति ब्रिटिश सरकार को मिल रही थी इस उधार के कारण, वो बढ़ने के मौके को उठाते हुए सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया था, क्योंकि कंपनी एक तरीके से अब ब्रिटिश सरकार के अधीन में जा रही है। क्यों अधीन में जा रही? क्योंकि आर्थिक उसको जरूरत थी और वो ब्रिटिश सरकार ने उसे दिया, लेकिन साथ ही साथ रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी में बहुत सारा हस्तक्षेप करना शुरू किया। लेकिन जब हस्तक्षेप हुआ तो कार्यकारी परिषद और सुप्रीम कोर्ट में भी विवाद शुरू हुए, जो कि इनके द्वारा ही बनाया गया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही बनाया गया था, उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 1773 में कई सारी खामियां थी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब उन्हीं खामियों को दूर करने के लिए बंगाल जुडिशरी एक्ट 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आएगा,
जिसमें आज हम चर्चा कर रहे बंगाल जुडिशरी एक्ट 1781 की, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जानते हैं। क्या प्रावधान थे इसमें? पहला प्रावधान, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के सदस्यों द्वारा किए गए आधिकारिक कार्य को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। ये वर्तमान में भी दिखता है। आज आप देखेंगे कि न्यायिक सक्रियता जो मुद्दा उठता है, कई बार संसद में किए गए कार्यों को या फिर संसदीय कार्यों के बाहर भी जो भी मंत्रिमंडल के द्वारा कार्य किया जाता है, कई बार सुप्रीम कोर्ट उसमें कई प्रकार के नियमों को, कई प्रकार के विनियमों को लगाने की कोशिश करती है। तो ऑब्वियसली वो तो उस समय के शुरुआती अनुभव थे, तो उनको सबसे पहले तो मुक्त कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि कार्यकारी परिषद या उनके जो भी सदस्य हैं, वे जो भी काम करेंगे वो सर्वोच्च न्यायालय के अंडर नहीं आएंगे। मतलब उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए अब केवल और केवल ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश सरकार ही उनको नियमित करेगी। लेकिन उनका डबल नियमन जो हो रहा था कि उधर से ब्रिटेन से भी नियमन और इधर सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में उन्होंने बनाया था उससे भी नियमन, तो इससे मुक्त कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया, सबसे बड़ा परिवर्तन। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा राजकीय कर्मचारी के रूप में किए गए किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अगर कंपनी का कर्मचारी ब्रिटिश सरकार के कार्यों को कर रहा हो तो फिर आप उसको फिर से न्यायालय में नहीं उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों को सुप्रीम कोर्ट के पास जमा करने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इससे असुविधा हो रही थी। वास्तव में गवर्नर जनरल का पद हम कहेंगे कि उस समय सबसे बड़ा पद था, लेकिन उनके कार्यों को जब सुप्रीम कोर्ट देखेगा तो सुप्रीम कोर्ट का पद और बड़ा हो गया। तो एक तरीके से ईगोइस्टिक विवाद खड़े हो जाते थे कि गवर्नर जनरल कहता था कि मैं इस भारत में कंपनी के पूरे शासन को देखने के लिए मनोनीत व्यक्ति हूं, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं। और इधर सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि आप मेरे अंडर में हैं तो आप बड़े कैसे हो सकते हैं। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए जो विवाद लगातार चल रहे थे 1781 के बंगाल जुडिशरी एक्ट में, उसे दूर करते हुए अब पूरी तरह से कार्यकारी परिषद को स्वतंत्र कर दिया गया। और हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तरीके की शुरुआत है कि जैसे भारत में आज न्याय व्यवस्था स्वतंत्र है, कार्यकारी परिषद स्वतंत्र है, संसद है, तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल वहां की शुरुआत, इतिहास अपने को रिपीट करता है, बिल्कुल उसकी शुरुआत आपको यहां से दिख सकती है। तो अब वहां पर जितने भी नियम और विनियमन बनाएगी कार्यकारी परिषद, आप उसे सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते या सुप्रीम कोर्ट उसका भी अवलोकन नहीं कर सकती है। कलकत्ता के सभी नागरिकों के मुकदमे सुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट की शक्ति कम की गई तो सुप्रीम कोर्ट नाराज ना हो जाए, इसलिए उनसे कहा गया कि अब आपको सारे लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार है। कलकत्ता में फिर वो ब्रिटिश व्यक्ति हो या फिर इंडियन व्यक्ति हो, उनके मुकदमे आप सुन सकते हैं। लेकिन जब भारतीयों के मुकदमे आएंगे तो आदेश लागू करते समय सर्वोच्च न्यायालय सामाजिक और धार्मिक परंपराओं को ध्यान में रखेगा। हिंदुओं के मुकदमों का निर्णय हिंदू कानूनों के तहत तथा मुस्लिमों के मुकदमों का निर्णय इस्लामी कानूनों के अनुसार होगा। गवर्नर जनरल को प्रांतीय न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार दिया गया। देखना, यहां पर एक और नया अद्भुत परिवर्तन है। प्रांतीय न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट की जगह गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिए गए कि प्रांतीय न्यायालयों के खिलाफ, प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध यदि किसी भी प्रकार का मुकदमा आता है तो वो शक्ति सुप्रीम कोर्ट की जगह गवर्नर जनरल को दी गई। ओवरऑल अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो गवर्नर जनरल को अधिक शक्तिशाली, अधिक मजबूत बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की जो उस पर एक तरीके से निगाह थी उसको हटाया गया, उनके नियम और विनियमों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया गया तथा गवर्नर जनरल को प्रांतीय न्यायालयों के निर्णयों को सुनने का भी अधिकार प्राप्त हुआ।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता के सभी नागरिकों के मुकदमे लेने का अधिकार मिल गया, लेकिन यहां पर सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए हिंदुओं के मुकदमों को हिंदू कानूनों के तहत और मुस्लिमों के मुकदमों को इस्लामी कानूनों के अनुसार किया जाएगा। तो यहां तक अब हमने जितना भी पढ़ा है, मतलब प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, उसके बाद इलाहाबाद की संधि, बंगाल में द्वैत शासन, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग और बंगाल जुडिशरी एक्ट, बंगाल जुडिशरी कानून, ये जो छठवां टॉपिक था आज हम देख रहे इसके ऑब्जेक्टिव सवालों को, तो ट्राई करिएगा। पहला सवाल है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अगर डेट ना भी याद हो तो ईयर जरूर याद रखिए। अवध के नवाब, मुगल सम्राट तथा कंपनी के बीच 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अवध के नवाब, मुगल सम्राट, क्योंकि तीसरे व्यक्ति को तो मार दिया गया था। तो क्या लगता है आपको कि इन दोनों में कौन से कथन सही है? कमेंट्स करते चलिएगा। और आप एलिमिनेशन करते चलेंगे कि पहला तो गारंटेड सही हो रहा है, फिर आप दूसरे पर गौर करिएगा, तो निश्चित ही आंसर सभी को दिख रहा होगा। बहुत ही बढ़िया, हम कहेंगे कि आंसर आएगा दोनों ही कथन अपनी जगह सही है। 1764 में बक्सर के युद्ध में कंपनी की विजय के बाद ही इलाहाबाद की संधि हुई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि बंगाल के जो शुरुआत में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें घटना थी ब्लैक हॉल की घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह घटना सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। इतिहास में इस घटना के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। मैंने आपको बताया था कि पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं है तो दूसरा तो गलत होगा, और अगर दूसरा गलत हुआ तो निश्चित ही इस प्रश्न का आंसर आएगा केवल और केवल पहला, कि यह घटना सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। क्योंकि जैसे ही अपने तीन पुत्रियों की तीसरी पुत्री के बेटे को नवाब घोषित करते हैं, तो यह साजिशों के तहत माना जाता है कि एक बड़ा यह कारण भी माना जाता था, लेकिन इसके साक्ष्य अभी तक बिल्कुल स्पष्ट रूप से उपस्थित नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी के अधिकार सौंप दिए थे। तो पहले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि 1765 में इलाहाबाद की संधि, और इस संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार सौंप दिया था। सभी लोग बताते चलिएगा कि क्या आंसर आपको लग रहा है, क्योंकि आप लोगों ने इसे पढ़ा भी है। बिल्कुल दोनों ही कथन सही है, क्योंकि संधि के बाद ही यहां के दीवानी के अधिकार मिल गए थे। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर को जन्मजात सेनापति के नाम से भी जाना जाता है? हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये आ गया है बेंटिक। हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग और बेंटिक। क्या लगता है आपको कि जन्मजात सेनापति किसे कहा गया था? और हमने ये पढ़ा भी था, और मुझे जितना याद आ रहा है पिछली क्लास का ये पॉइंट है, रॉबर्ट क्लाइव जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, इन्हें जन्मजात सेनापति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा था। द्वैत शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्वैत शासन की प्रणाली बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1775 के इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत लाई गई थी। तो यह मुख्य रूप से बंगाल में लाई गई थी,
द्वैत शासन के अंतर्गत कंपनी को राजस्व वसूलने और बंगाल के नवाब को शासन चलाने फौजदारी कानून उनके पास थे तो जिम्मेदारी दी गई थी। बताइए क्या लगता है आपको कि इसके तहत अगर हम बात करें तो बिल्कुल जो आप लोगों को क्लियरली दिखना चाहिए इसमें कि हम इसे डिटेल में पढ़ चुके, केवल और केवल इसका आंसर होगा दूसरा, केवल और केवल इसका आंसर होगा दूसरा। द्वैत शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिर द्वैत शासन पर एक और सवाल है, सवाल एक और है, अब बदल दिए हैं इसमें स्टेटमेंट। कंपनी ने दीवानी का उत्तरदायित्व स्वयं ग्रहण करने के बजाय न्यायाब दीवानों को सौंप दिया था, मतलब दीवानी के अधिकार इनडायरेक्टली या डायरेक्टली न लेते हुए न्यायाब दीवानों के अंडर में वसूली करते थे वो। किसी को अगर याद आता हो तो मैंने बताए थे न्यायाब दीवानों में किस प्रकार के न्यायाब दीवानों और कैसे केस हुए थे। कंपनी ने 53 लाख रुपए वार्षिक के बदले निजामत संबंधी अधिकार बंगाल के नवाब को सौंप दिए थे, बंगाल के नवाब को सौंप दिए थे, बंगाल के नवाब को सौंप दिए थे। बिल्कुल दोनों ही बातें अगर आपको याद आती हो तो हम कहेंगे कि दोनों ही कथन सही है। पर आइए एक टिपिकल सवाल देखता हूं मैं, कितने लाल लाली कर सकते हैं इसे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? शब्द पर गौर करना, कौन सा कथन असत्य है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन असत्य है? कंपनी के लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन, असत्य पूछ रहा हूं, शब्द पर ध्यान देना कि कौन सा कथन गलत है। कंपनी के लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किया गया। गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय परिषद की व्यवस्था। रिपीट कर रहा हूं मैं सवाल, आपसे पूछा जा रहा है कि असत्य क्या है, गलत क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें गलत कथन कौन सा है। तो निश्चित ही हम कहेंगे कि इसमें दोनों ही कथन सही है, इसलिए गलत कोई नहीं है, मतलब ना तो पहला ना ही दूसरा। और आखिरी सवाल है, वॉरेन हेस्टिंग्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत का पहला गवर्नर जनरल है। इसने बंगाल में दस्तक की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, पिछली क्लास को याद करिएगा, दस्तक की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने बोर्ड ऑफ ट्रेड व्यापार का बोर्ड की स्थापना की थी। तो शायद आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड अपनाइए, और मैं अगर आप लोगों से एक बात कहूं तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे न कि भारत के। और अगर पहला गलत हो जाए तो आप केवल एलिमिनेशन की मेथड सीख जाइए, तो मुझे लगता है कि केवल इसी से उत्तर आ जाता है। बात की दो बातें नहीं भी पता होती तो भी शायद आप उत्तर निकाल सकते थे कि पहला तो नहीं होगा, तो निश्चित ही केवल पहला, दूसरा और तीसरा हो सकता है, और तीन ऑप्शनों को एलिमिनेट कर सकते थे। अब हम कुछ मेंस के सवाल भी आपको दिखा रहे हैं, मेंस के सवाल इसमें आप लिखिएगा आंसर, भले वीडियो को फिर से देखकर आंसर लिखिएगा। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा कर दिया, टिप्पणी कीजिए, ऐसा कौन सा कार्य था जो प्लासी में नहीं हुआ था, ऐसी कौन सी बातें थी जो प्लासी में अधूरी रह गई थी, और ऐसे कौन से नई चीजें आपको बंगाल बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में प्राप्त हुई थी, इसी का वर्णन आपको इसमें करना चाहिए। इसके लिए आप प्लासी और बक्सर के युद्ध को हमारा सीधी बात नो बकवास का फिर से एपिसोड देखिएगा, आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगा।
बक्सर के युद्ध के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, बक्सर के युद्ध के प्रमुख कारणों का। और मैंने आपको बताया है पूरे डिटेल में कि अगर आप लोगों को याद आता हो कि बक्सर के युद्ध में अवध से मुगल सम्राट, साथ ही साथ बंगाल में जो राजनीतिक परिवर्तन लगातार हो रहे थे और जिसके तहत मीर कासिम, उसके बाद हमने देखे थे सारे जो परिवर्तन उसमें हो रहे थे, तो बक्सर के युद्ध के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, यह सीधा सवाल। और केवल बक्सर के युद्ध वाला वीडियो देखेंगे तो आपको इस पूरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्लासी की विजय ईस्ट इंडिया कंपनी के शौर्य की नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के शौर्य की नहीं, वरन कूटनीति की विजय थी। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि प्लासी की विजय ईस्ट इंडिया कंपनी के शौर्य की नहीं वरन कूटनीति की विजय थी, कूटनीति की विजय थी, स्पष्ट कीजिए, कूटनीति की विजय थी, स्पष्ट कीजिए। तो अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही हो, मैंने प्लासी के युद्ध में बताया था कि पूरी सेना शामिल नहीं हुई थी बंगाल के नवाब की, लेकिन साथ ही साथ इतना ज्यादा मजबूत शासन हिला दिया कंपनी ने, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो वहां पर वह इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शौर्य नहीं था, बक्सर के युद्ध में हम ईस्ट इंडिया कंपनी का शौर्य कह सकते हैं, क्योंकि तीनों सेनाओं को हराया था, संयुक्त सेना को हराया था, लेकिन प्लासी के युद्ध में कोई भी ऐसी बड़ी सेना को नहीं हराया था, लेकिन कूटनीति थी कि इस कारण से विजय मिल गई थी। और इलाहाबाद की संधि की प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए, इलाहाबाद के संधि पर आप वीडियो देखेंगे तो इलाहाबाद के संधि की प्रमुख शर्तों को आप आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे, इलाहाबाद के संधि की प्रमुख शर्तों को समझा पाएंगे। कंपनी के शासन काल के दौरान बंगाल में लागू द्वैत शासन प्रणाली की समालोचना कीजिए। समालोचना का मतलब होता है कि पहले बुराई कीजिए और अंत में बताइए कि फिर भी कंपनी नई थी, अभी उसे उतना अनुभव नहीं था, इसलिए उसने वहां पर फौजदारी और सीधा इंटरफेरेंस करने की जगह एक कूटनीति खेली, एक राजनीति का एक उच्चस्त उदाहरण मानेंगे, क्योंकि बंगालों के खिलाफ भी जा सकता, बंगाल अगर वो डायरेक्ट अपने अंडर में ले लेते तो मराठा उनके खिलाफ जा सकते थे, अफगान हो गया, अवध हो गया, तो उनके खिलाफ एक तरीके से भारत के सारे नवाब एकजुट हो सकते थे। और इसी राजनीति और इसी कूटनीति का फायदा था कि उन्होंने बंगाल में द्वैत शासन को अपनाया। तो समालोचना में पहले बुराई और उसके बाद आप कहेंगे कि ये जो करना था उनकी उस समय की अपनी एक रणनीति के तहत हुआ था। 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट भारतीय प्रशासन के संदर्भ में ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला प्रयास था, अतः इसमें कुछ कमियां रह जाना स्वाभाविक था, व्याख्या कीजिए। तो सिंपल सा इसके दोषों का वर्णन कीजिएगा। पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट यूरोप से बाहर किसी क्षेत्र के लिए कानून बना रही थी, तो ऑब्वियसली इसमें कमियां और खामियां रहना तो एक साधारण सी बात थी, फिर भी आपको इसका एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन सी कमियां इसमें दिखाई देती हैं। तो ये सीधी बात नो बकवास में अभी तक जितनी भी हमने क्लासेस ली थी उसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल है, इसे जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कितना कॉन्फिडेंस फील हो रहा है जब आप सीधी बात नो बकवास के बाद अब इन सवालों को लिखेंगे, तो उसके बाद आपको क्या क्लैरिटी आती है कि आंसर राइटिंग क्वेश्चन किस तरीके से हैंडल किए जा सकते हैं। अगला टॉपिक होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो भी एक तरीके से 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने का फिर से एक बड़ा प्रयास होगा। और साथ ही साथ 1 फरवरी को हम स्पेशल पीटी 2020 पर फोकस करते हुए एक नया कोर्स ला रहे हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम करंट अफेयर और मैक्सिमम आपका जो भी ट्रेडिशनल पोर्शन है, क्योंकि जितना विद्यार्थी करंट अफेयर में दबता चला जा रहा है वास्तव में वो यूपीएससी के सिलेक्शन से तो दूर हो रहा है, केवल वो सपनों को ही देख पा रहा है। जरूरत है कि अब जमीन पर उतरकर इस करंट अफेयर के भूत को अभी साइड में रखें और पहले जो बहुत जरूरी है, जो कंटेंट पूरा रेडी करना जरूरी है, उसे पहले रेडी कर ले।
तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम है। करंट अफेयर पर हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिनिमम एफर्ट वाला काम करने की कोशिश करेंगे। आप किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए संपर्क कर सकते हैं। यदि आप वन ईयर और टू ईयर का सब्सक्रिप्शन लेकर हमारे सारे कोर्स चाहते हैं तो वो 40,000 और 64,000 के हैं। वैसे आप वन मंथ से लेकर 24 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहां अगर आप लोग एमके लाइव रिफर कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा और परिणाम स्वरूप 36,000 में वन ईयर का सब्सक्रिप्शन, 57,600 में टू ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको अवेलेबल होगा। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, यूपीएससी कोड सेलेक्ट करने के बाद रिफर कोड यूज करना होगा और फिर पेमेंट करने के बाद वहां से आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं। आप अब मुझे कमेंट जरूर करिएगा जो भी लोग देख रहे हैं कि क्या सीधी बात नो बकवास में और बदलाव किया जाए कि इसे और अट्रैक्टिव और खूबसूरत बनाया जा सके। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।